अगर आप भी चुकंदर और गाजर को इग्नोर करते होंगे, नहीं खाते होंगे, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। रियली ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और इसका रस जो है हमारा खून बढ़ाता है। इसका पूरा डिटेल्स के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको डिटेल्स में पता रहेगा। तो अभी शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो आपका फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। पहले हम गाजर का छिलका निकाल के उसको छोटे छोटे पीस में ऐसे काट लेंगे, फिर उसको जार में डालेंगे। चीनी लेंगे फिर, बट चीनी इग्नोर करिए। अगर आपका गाजर मीठा है देन उसके अकॉर्डिंग पानी देंगे, फिर इसे मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। गाजर हमारा ब्लेंड हो चुका है, देन इसे अब छान लेंगे। उसके लिए एक बर्तन लेंगे और साफ एक वाइट कपड़ा लेंगे और इस गाजर का पेस्ट जो है इसमें डाल देंगे और फिर इसको अच्छा से हम छान लेंगे। इस तरह उसका पानी निकाल लेंगे। और गाइस, अगर आपको ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल खाना बहुत ही पसंद है, विलेज स्टाइल देसी खाना, तो ज़रूर मेरा वीडियो को फॉलोअप करिए, देखिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट की हूँ, और अच्छा लगा तो कमेंट में बताना ना भूले। तो गाइस, हमारा गाजर का जूस बन के रेडी है, बिल्कुल सिंपल, जल्दी से ही बन गया है ना, सिंपल बट हेल्थी है। अभी बनाते हैं चुकंदर का जूस, जिसको बीटरूट्स भी बोलते हैं। इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा जैसे गाजर का जूस बनाए थे। इसको भी वैसे ही अच्छे से धो के इसका छिलका निकाल के ऐसे मीडियम साइज में काट लेंगे। सेम जार में डाल के उसमें पानी दे देंगे। आप चाहे तो चीनी डाल सकते हैं, अजीरो अगर ज़्यादा मीठा है तो चीनी नहीं डालेंगे। और गाइस, देख सकते हैं चुकंदर को हम मिक्सी में ब्लेंड कर चुके हैं। अभी इसका जूस निकाल लेंगे कपड़ा के सहायता से। देखा ना गाइस, कितना आसान से हमारा जूस बनके रेडी हो गया। हम इसको कभी भी पी सकते हैं, सुबह शाम कभी भी पी सकते हैं। ये हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ही अच्छा रहता है इसका, और आप चाहे कभी भी ट्राई करें। अच्छा लगा तो कमेंट में बताना ना भूले। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।